देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत का सपना देख रहे हैं, वहीं अधिकारी भी इसको लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर की डीएम ने स्वच्छता को लेकर 9 से 15 अगस्त के बीच खुले में शौच मुक्त दिवस को लेकर रैली निकाली, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं डीएम ने कहा कि हम जिले को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने में कामयाब होंगे। खुले में शौच मुक्त हुआ है जिला, उसको किस तरह से हमें बरकरार रखने का हम संकल्प लेना है, उसमें हमें लोगों को जागरूक करना है। और साथ ही साथ जैविक अजैविक कूड़े को अलग अलग करेंगे लोग, ताकि प्लास्टिक वेस्ट हमारा एक तरफ रहेगा और जो जैविक कूड़ा है वो एक तरफ, जो बर्मी कंपोस्ट निर्माण में हम उसका प्रयोग करेंगे, और जो हमारा प्लास्टिक वाला कचरा है उसको फ्यूचर में पीएमडीएसवाई द्वारा उसमें सड़क निर्माण में प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम है लोगों को जागरूक करने का और इस जनपद को स्वच्छ बनाने का। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री देश को स्वच्छता अभियान के बारे में आए दिन जागरूक कराते रहते हैं, जिस वजह से अधिकारी पीएम के निर्देशों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय, पंजाब केसरी टीवी।